हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आप लोग को मुगल चित्रकला से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि मुगल काल से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम प्रकाष्ठा पर पहुँची? जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। मुगल चित्रकला जो है वो अपने चरम सीमा पर थी जहांगीर के समय में, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो मुगल शैली की जो नींव है वो अकबर के समय में रखी गई थी। जो दो चित्रकार थे ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली, इन्हीं दोनों चित्रकारों के द्वारा अकबर के समय में ये नींव रखी गई थी। मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ हुई है? फारसी और हिंदू, चीनी और हिंदू, हिंदू और ईरानी, इनमें से कोई नहीं। मुगल चित्रकला जो है हिंदू और ईरानी शैली के सम्मिश्रण से बनी है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। साइबेरिया का बिरला साहस सारस का चित्रण किसने किया? भगवान दास, केशव, मंसूर, मिस्किन। साइबेरिया का जो बिरला साहस है वो पशु पक्षी जो चित्र बनाता था वो मंसूर सबसे फेमस है, तो यहाँ पे ये साइबेरिया बिरला सारस का चित्र मंसूर ने बनाया है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? मंसूर, अकारजा, बिशनदास, मनोहर। शेख फूल सूफी संत को बिशनदास ने चित्रित किया था, ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। मनोहर किसका पुत्र था? मंसूर, बसावन, अकारजा, भगवान दास। तो मनोहर जो था वो बसावन का पुत्र था, ऑप्शन हमारा ख सही हो जाएगा। आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? अकबर, बसावन, अबुल फजल, दसवंत। आईने अकबरी के जो लेखक हैं वो अबुल फजल हैं, तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी चित्र का निर्माण किसने किया था? बिशनदास, मनोहर, दसवंत, इनमें से कोई नहीं। जो सभी चित्र है पोर्ट्रेट बनाने के लिए बिशनदास काफ़ी फेमस था मुगल चित्रकला में, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। नूर जहां का सभी किसने चित्रित किया? अकारजा, रहीम, मंसूर, बिशनदास। तो नूर जहां का जो छवि था वो बिशनदास ने बनाया था, ये पोर्ट्रेट चित्रकार था काफ़ी फेमस था। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ। हमजानामा काफ़ी फेमस पुस्तक है मुगल चित्रकला से संबंधित। हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? 4, 5, 6, 1। तो हमजानामा के 6 चित्र भारत प्राप्त होते हैं। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने किस राज्य की विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था? बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात। तो गुजरात की विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था? यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, आप देखिए। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो यहाँ पे पूछ रहा है दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था, मतलब शाहजहां ने बनवाया था, तो ये पता हमें करना है कि शाहजहां किसका बेटा था। तो शाहजहां जो था वो जहांगीर का बेटा था, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे घ सही हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया जाता है ताकि आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका पुत्र है। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफिल की संज्ञा दी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट है। अब्दुल समद, दसवंत, विहजात, मंसूर। विहजात जो बाबर के समय का चित्रकार है, विहजात जिसे पूर्व के राफिल की संज्ञा दी जाती है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर, बाबर,
जहांगीर, औरंगजेब। हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन हमारा क सही हो जाएगा। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ था? यहाँ चित्रकला का स्वर्ण युग पूछ रहा है, तो ये जहांगीर के समय हुआ था। ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? औरंगजेब, जहांगीर, बाबर, अकबर। तो चित्रकला को अकबर ने प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। मुगल चित्रकला विकसित हुई, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर, बाबर। मुगल चित्रकला जो विकसित हुई, तो जहांगीर के समय काफ़ी विकसित हो गया था। भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में प्रारंभ हुई थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। तो मुगल चित्रकला का प्रारंभ जो था वो अकबर के समय शुरू हुआ था। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। मीर सैयद अली जो है वो अकबर के समय का मुख्य चित्रकार था। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, इन्हीं दोनों चित्रकारों के द्वारा मुगल चित्रकला आगे बढ़ी। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सभी चित्र अकबर के समय बनने शुरू हो गए थे, तो यहाँ पे अकबर सही हो जाएगा। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों का विशेष प्रभाव पड़ा? पशु पक्षी, भवन, प्राकृतिक और सभी। तो यहाँ पे सभी चित्र ज़्यादा बने अकबर और जहांगीर के काल में। सभी किसे कहा जाता है? रंगोली को, म्यूरल को, पोर्ट्रेट को, इनमें से कोई नहीं। पोर्ट्रेट को हम सभी चित्र कहते हैं, छवि चित्र। प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर हुआ था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो जहांगीर के समय प्राकृतिक चित्रण ज़्यादा हुआ था। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था? रूप चित्र का मतलब व्यक्ति चित्र। हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, बाबर। अकबर के समय व्यक्ति चित्र अधिक बने थे। निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। जैनुद्दीन, निहालचंद, मानकू, मंसूर। मंसूर जो है वो मुगल चित्रकला में पशु पक्षी का चित्रकार था। बिशन दास निपुण था छवि चित्र में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में, शिकार दृश्य में। तो बिशन दास जो था वो मुगल शैली में छवि चित्र बनाने के लिए काफ़ी फेमस था। मुगल काल में श्रेष्ठ सभी चित्र किसके समय की है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर के समय की जो भी सभी चित्र बनी वो श्रेष्ठ है। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? विहचात, दौलतराम, निहालचंद, मंसूर। मंसूर पक्षी चित्र के लिए काफ़ी फेमस है। जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्रण किसने चित्रित किया? मंसूर, बसावन, अबुल हसन और मधुकर। जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्रण किसने किया था? मंसूर, बसावन, अबुल हसन, मधुकर। तो यहाँ पे अबुल हसन ने किया था। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था मंसूर को, बसावन को, अबुल हसन को, अबुल फजल को। अपने समय का जहांगीर अबुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। जहांगीर का प्रिय चित्रकार था केशव, माधव, मिस्किन, अबुल हसन। जहांगीर का प्रिय चित्रकार अबुल हसन था। जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र है मैना, तोता, मुर्गा, बाज। बाज पक्षी का चित्रण मंसूर ने किया था। जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? फारूक, कुलमाक, मोहम्मद नादिर, अब्दुलसमद, मंसूर। जहांगीर के समय दूसरा जो सर्वाधिक प्रसिद्ध था वो मंसूर था अबुल हसन के बाद। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ बाबरनामा, रामायण का, पशु पक्षी का, अनवरे सुहेली का। तो पशु पक्षी का जहांगीर के समय ज़्यादा चित्रण हुआ था। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? पुस्तक चित्रण, शिकार, युद्ध, पशु पक्षी चित्रण। पशु पक्षी चित्रण के लिए काफ़ी फेमस था। किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो जहांगीर के समय चित्रकला का पूर्ण विकास हुआ था। जहांगीर के समय चित्रकला का पूर्ण विकास हुआ।
किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो जहांगीर ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। मुगल सुंदरी के जो चित्र हैं वो जहांगीर के समय बने थे। किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। अकबर ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी। जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? मनोहर ने, मंसूर ने, अबुल हसन ने, इनमें से कोई नहीं, अबुल हसन ने बनाए थे। ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय, भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो भारतीय सुंदरी का जो चित्र है वो भारत कला भवन वाराणसी में है। किस मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हाथियों का बॉर्डर का प्रयोग किया गया? पहाड़ी, राजस्थानी, गढ़वाली और मुगल। मुगल शैली में हाथी काफी इंपॉर्टेंट है। लाल पुष्प का चित्रण किसने किया? गोवर्धन, विशनदास, अबुल हसन, मंसूर। मंसूर ने पुष्प और पक्षियों के चित्र बनाए। अकबर के समय में चित्रकारों की संख्या कितनी थी? अकबर के समय चित्रकारों की संख्या कितनी थी? अकबर के समय चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी। हिंदू चित्रकार, भारतीय मुस्लिम चित्रकार, फारसी चित्रकार, हिंदू चित्रकार अकबर के समय ज़्यादा थे। अकबर कालीन चित्रों की विशेषता क्या है? नायक नायिका का चित्र, पशु पक्षी के चित्र, दरबारी चित्र, प्राकृतिक चित्र। अकबर कालीन जो चित्र हैं वो दरबारी चित्र हैं। निम्न में से मुगल चित्रकार है रवि वर्मा, हल्दार, नंदलाल बसु, केशव। केशव जो हैं वो मुगल चित्रकार हैं। बसावन की प्रसिद्ध कृति है भीष्म, मजनू की आकृति, चारागा, इनमें से कोई नहीं। बसावन की जो प्रसिद्ध आकृति है वो मजनू की आकृति। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। बसावन जो था वो अकबर के समय का था। रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत का ये फारसी अनुवाद है रजमनामा। रजमनामा का चित्रण किसके समय में हुआ? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। अकबर के समय रजमनामा का चित्रण हुआ था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अमीर हमजा, चंगेज नामा, अयारे दानिश, नल दमयंती। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अयारे दानिश। ऑप्शन हमारा ग सही हो जाएगा। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार था ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली। तो ये दोनों कहाँ से आए थे? ईरान से। तो ऑप्शन हमारा ये थर्ड सही हो जाएगा। किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। हुमायूं ने कबूतर के पंख काट कर के चित्र करवाया था उसे। स्याह कलम की शुरुआत किसके समय में हुआ? बाबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। शाहजहां के समय में स्याह कलम की शुरुआत हुई। स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है या प्रविधि क्या है? काले रंग से चित्र को बनाना, काली तुलिका से चित्र बनाना, चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना, काले कागज पर चित्र बनाना, काले रंग से चित्र को बनाना। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित है युद्ध दृश्य, शिकार, रंगमहल, धार्मिक विषय। तो शाहजहां के सबसे ज़्यादा रंगमहल के चित्र मिलते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो अकबर के समय पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस संग्रहालय में है। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था? दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा, लाहौर। अकबर का आर्ट स्टूडियो फतेहपुर सीकरी में है। किस मुगल शासक के समय में चौड़े हाशिए बनने लगे? औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। शाहजहां के समय चौड़े हाशिए बनने शुरू हो गए थे। मुगल शैली के रंगों में कितने वर्ग, मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया? तो 6, 12, 3। तो मुगल शैली के रंगों को 3 वर्गों में रखा गया, प्राकृतिक,
खनिज और रासायनिक। वकायत बाबरी के अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है? 7, 19, 23, 3। तो 19 चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है सभी चित्र, सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म का चित्र, भारतीय कथाओं का चित्र। अकबरनामा में सलीम के जन्मोत्सव का चित्र सबसे फेमस है। निम्न में से कहां पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? आधुनिक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली नेशनल म्यूजियम में ये संग्रहित है। तो दोस्तों इस तरह से हमने मुगल चित्रकला पर ये पहला वीडियो बना दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों मैं इसी प्रकार से एक विजुअल आर्ट से संबंधित KVS NVS DSSSB से संबंधित वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।